हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर आपने देखा होगा आपके फ्रेंड आपको जो है अपने गिल्ड में आने के लिए बोलते रहते होंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको आपके फ्रेंड जो है अपने गिल्ड में आपको बुलाए तो सबसे पहले आपको जो है उनके गिल्ड के बारे में उनसे पूछना है कि आपका गिल्ड कितने लेवल का है, आपकी ग्लोरी कितनी है, ये सब कुछ आपको पूछना है। और गिल्ड का जो है लीडर कौन सा, क्या नाम है उस गिल्ड का जो भी लीडर है, तो ये आपको सब कुछ उनसे पूछना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई और बंदा आपको जो ऐसे ही बोल देता है कि आप हमारी गिल्ड में आ जाओ तो आपको जो है कस्टम मिल जाएगा, हमारी गिल्ड ये है। उसको अपनी गिल्ड को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। आप जो अपनी गिल्ड को छोड़ देते हो, लेकिन जब आप जो है उसकी गिल्ड में जाना चाहते हो तो उसका लीडर कोई और होता है, आपको एक्सेप्ट वो नहीं करता। इससे जो है आप पहली गिल्ड से भी हाथ धो देते हो और दूसरी गिल्ड में भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, तो तब आपको तीसरी गिल्ड में जाना पड़ता है। तो इस सब से बचने के लिए मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको उस बंदे के ऊपर क्लिक करना है जिस बंदे ने आपको अपने गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए आपको बुलाया, ठीक है। तो उस बंदे के ऊपर, उसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर आपको ये निशान दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए गिल्ड का नाम भी यहाँ पर है, ग्लोरी है 8,54,691, यानी ये 4 लेवल का गिल्ड है। 4 लेवल का गिल्ड तक पहुँचने के लिए आपको जो है 1.5 लाख ग्लोरी लगती है। तो यहाँ पर जो है 8,54,691 ग्लोरी यहाँ पर हो चुकी है। तो अब मैं दूसरे गिल्ड को, दूसरे किसी बंदे को यहाँ पर देख लेता हूँ वो किस गिल्ड में है। तो यहाँ पर देखिए इनकी ग्लोरी जो है 40,818 है। तो यहाँ पर ये मतलब 4 लेवल का नहीं है। यहाँ पर नीचे देखिए आपको जो है गिल्ड का लीडर है, आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है ये 2 लेवल का है। तो आप जो पीछे वाली गिल्ड है, ठीक है, उसमें 8 लाख थी, तो आप जो है उस गिल्ड को छोड़कर ऐसे गिल्ड में मत आना, क्योंकि वो गिल्ड बहुत बड़ी है और बढ़िया है। तो आप जो है इस गिल्ड में मत आना, तो आपको इसका ख्याल रखना है। यहाँ पर जो है जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आपको उसका ख्याल रखना है कि। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी यहाँ पर आपको ग्लोरी बता देता हूँ, 5,26,832 है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त को बोल सकता हूँ जिसको मैं यहाँ से बुलाना चाहूँगा, तो ये बोल सकता हूँ कि मेरा 4 लेवल का है, तो इतनी मेरी ग्लोरी है। तो मेरा दोस्त जो भी होगा वो मुझे जो है इस तरह यहाँ पर चेक करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो मेरे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेगा। तो सबसे पहले वो मेरा प्रोफाइल देखेगा कि ये गिल्ड मेरी है या किसी और की है। तो इसके बाद मैं ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे दोस्त जो है ऊपर यहाँ पर क्लिक करेगा। तो देखिए लीडर मैं ही हूँ, यहाँ पर 67 लेवल मेरा है और ग्लोरी 6,76,832 और वहाँ पर जो है शो हो रही थी 5 लाख कुछ ये शो हो रही थी। तो ये सारी ग्लोरी जो है 4 लेवल मतलब सारी मिला के जो है बता देते हैं। तो आपको जो है इस तरह से किसी भी जो गिल्ड की ग्लोरी आपको चेक करनी है और इसका लीडर भी आपको चेक करना है कि आपको लीडर ही बुला रहा है या कोई आपको और बुला रहा है, ठीक है। तो आप जो है 8 लाख वाली ग्लोरी, जो गिल्ड वाली ग्लोरी को आप छोड़ के जो है 40,000 में मत जाना। तो जिसके प्रोफाइल के ऊपर गिल्ड का जो निशान नहीं है तो ये बिना गिल्ड का है, तो आप इसको जो है अपने गिल्ड में भी इनवाइट कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको जो है जो भी आपको अपने गिल्ड के लिए बुला रहा है उसकी जो है ग्लोरी सबसे पहले चेक करनी है, वो कितनी ग्लोरी है। तो 1.5 लाख तो वैसे में जैसे कि 1.5 लाख ग्लोरी तो 4 लेवल तक पहुंचने के लिए लगती है। उसके बाद जो भी होगी वो आप उसमें देख सकते हो। तो अगर आपका, जैसे आप किसी गिल्ड में हो उसकी जो है 6 लाख ग्लोरी है, ठीक है। अगर कोई और आपको बुला रहा है जिसकी ग्लोरी 40-50 हज़ार के करीब है तो आप जो है उस गिल्ड में मत जाना, क्योंकि आपका गिल्ड बड़ा है, उनका जो है छोटा है। तो इससे आपको प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, आपको कस्टम भी नहीं मिल सकते अगर उसमें जो है मेंबर कम होंगे, क्योंकि वो 4 लेवल की तो नहीं है। अगर 3 लेवल की होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 की होगी। तो आपको यही काम करना है, आपको सबसे पहले जो है ग्लोरी वगैरह सब कुछ चेक करनी है और जो है उसी के बाद ही आपको उस गिल्ड में जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।